Assalamualaikum guys, welcome back to the Khan Vlogs. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो गाइज जैनब का ब्लॉग आने वाला है, मतलब नहीं प्रॉफ आने वाला है। मेरी ना आधी जिंदगी इन लोगों को समझाने में गुजर गई। मॉड्यूल क्या है, ब्लॉक क्या है, पहला साल है हमें टाइम लगेगा, चार साल में भी पता नहीं लगेगा। हमारा सेमेस्टर सिस्टम है, इसका कुछ और ही सिस्टम है। अच्छा गाइज, तो बात यह है जैनब का प्रॉफ आने वाला है और जैनब जो है एक लफ्ज पढ़ाई की तरफ जो है मतलब एक क्लास भी वो नहीं पढ़ रही है, ध्यान नहीं दे रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना जैनब की पढ़ाई और नॉलेज का, उसको उसको लगता है उसे बहुत कुछ आता है ना, तो हमने कहा कि क्यों ना हम इसकी पढ़ाई का जो है इम्तिहान ले, टेस्ट ले, क्विज ले, जिस भी जबान में आप जिस भी वर्ड से समझते हैं आप समझ जाए। तो हम देखते हैं कि तीन साल फार्मेसी क्यों है, चौथा अभी स्टार्ट हुआ है तो हाफ तो हो गया ना गाइस। ये बेसिकली इतना लंबा करके बोल रही है, मैं आपको सिंपल सादा जुबान सादा अल्फाज में समझाती हूँ। जैसे मैं सादा सादा पढ़ती हूँ वैसे मैं सादा सादा बोलती हूँ माशाल्लाह से। तो गाइस ये लोग आज मेरे इम्तिहान ले रहे हैं, मेरे घर वाले जो हैं वो इज्तिमाई इम्तिहान ले रहे हैं क्योंकि इनको यकीन है कि मुझे टका नहीं आता और मैंने इनका पैसा बर्बाद किया है और मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैं पढ़ती नहीं हूँ लेकिन मुझे फिर भी आता है। गाइस आज हम करने जा रहे हैं कॉल आ गई। आज हमारा ना हम दोनों का मुझे लग रहा है इज्जत का फालूदा होना है और कुछ नहीं। क्योंकि देखें जितना भी बंदे को आता हो, जब आपने कुछ रिवाइज ना किया, आप यूनिवर्सिटी से थके हारे आए हुए हो, आपने नींद पूरी ना की और आपने चार दिन से बुकी ना खोली हो, आपने तीन ब्लॉक्स में बुकी ना खोली हो, तो आपने आपने जो है क्या नींद पूरी ना की, आपने क्विज के लिए पढ़ा हो, आपने 24 घंटे इंस्टा यूज किया हो, हाँ तो मतलब आप रात को 2 बजे तक इंस्टा यूज कर रहे हो। इन शॉर्ट हमारे इज्जत का फालूदा होने वाला है मुझे लगता है, अल्लाह करे कि ना हो इसका, क्योंकि हम दोनों जो है वो कंसेप्चुअल पढ़ने वाले बच्चे हैं थे मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल मेडिसिन से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम, ऐसी बीच में जो है ना एक वो किया था, बोलते हैं टुंग टुंग मारा टुंग टुंग अच्छा चले टॉपिक जा रहे हैं। हाँ, जिसने जवाब दिया उसको मिलेगा एक पॉइंट, सही जवाब दिया, जिसने दिया जवाब वो सिकंदर, जिसने नहीं दिया वो बंदर, उसका माइनस वन हो जाएगा और जो जवाब देगा उसका प्लस वन हो जाएगा और फिर एंड पे देखेंगे जिसका स्कोर ज्यादा होगा वो जीत जाएगा और हारने वाले को इंशाल्लाह ताला मिलेगी बहुत गंदी पनिशमेंट। अगर जैनब हो, अगर मैं होंगी तो फिर मैं बड़ी हूँ, बड़ों को पनिशमेंट नहीं देते। इसको मेरे खारिश हो रही है यहाँ पे अलाउड है। सबसे पहला क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी वुड यू फाइंड ईच ऑफ दीज। अब हम ऐसे करेंगे यहाँ पे कुछ जो है बोन्स वगैरह के नेम लिखे हुए हैं और हमने पार्ट बताना है बॉडी का। तो पहला वाला जैनब पूछे कि मैं बताऊंगी 5 सेकंड में और सेकंड वाला मैं पूछूंगी और जैनब बताएगी। नहीं, जैनब को बताने का हो गया, जो भी आप समझ गए होंगे। हम लोग ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जितने जवाब हम दे सकेंगे हम देंगे, बाकी वेबसाइट्स में बहुत ज्यादा हमें क्वेश्चंस मिले लेकिन हम लोग इतने अच्छे बच्चे अगर हैं, आपको इतने लायक नहीं है। हाँ, अगर आपको अच्छा लगा ये व्लॉग तो हम पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7 बनाने का सोच रहे हैं। इनफिनिटी टाइम वेस्ट के बगैर सबसे पहले जैनब वेयर इज द मेटाटार्सल लोकेटेड। ठीक है लेकिन ये क्या था, जेड के लिए प्लस वन हो गया और एम के लिए अभी कुछ भी नहीं हुआ। अगला पूछो जल्दी, रेडियस 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 एंड अल्ला हाथ में मतलब यहाँ पे, हाँ बाजू जो भी है, उर्दू उर्दू पश्तो जो भी है कुछ भी निकले निकलना चाहिए, सही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग मेडिकल प्रॉब्लम। पहला सवाल मैं कर रही हूँ जिंजिवाइटिस, जिंजिवा में जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, प्लस वन। मेरा सवाल मुझसे पूछो, हाँ पूछो तुम। एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट में प्लस वन होता क्या है ये बताओ। एट्रियल फिब्रिलेशन जो एट्रियल होते हैं ना वो ये थरथराहट उनकी होती है, मैम बता दी थरथराहट होती है, हाँ वो मुझे भी पता है। चलो नेक्स्ट मैं पूछती हूँ पाइल्स कहाँ होते हैं। पाइल्स इन रेक्टल पाथवे, रेक्टल ओपनिंग। वेरी गुड, प्लस वन।
मेरा मेरे काम से उल्टा बताया है, पूछा तो उल्टा है। बाहुबली होते पायल नहीं है ये अनस, अनस ये पायल नहीं है, अनस ये कुछ और है, अनस ये नहीं है, अनस तुम जाओ यहाँ से निकलो, अनस तुम्हारे काम की बातें नहीं है। तुम अगला क्वेश्चन मेरी तुमने पूछा, मैंने पूछा ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया कान में होता है, कान में होता है कुछ, पता है मुझे, पता है मैंने पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ सवाल है, ज्यादा लंबे नहीं है, ज्यादा छोटे भी नहीं है, तो हम लोग जल्दी जल्दी से चलो जल्दी पूछो। पहले मैं पूछू फिर से। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल्स दैट हेल्प आवर ब्लड टू क्लॉट, जल्दी से। कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं उसमें, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स मुझे भी पता है, चलिए प्लस वन, तुम्हें तो सब पता है मेरी जान, जल्दी। अच्छा पूछो यार, इतने गंदे गंदे और। द टर्म हाइपोटेंशन डिनोट्स व्हाट, हाइपो मतलब लेस, टेंशन मतलब प्रेशर, मतलब लेस ब्लड प्रेशर, बहुत सिंपल था वैसे। हाँ, इसको भी पता था इसका। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ, एक मिनट मैंने पॉइंट लगाया, ह्यूमरस, इसको सोचने का टाइम नहीं दिया मैंने, नहीं मैंने मैं पहले से ही इशारा कर दिया, हड्डी का नाम है। अच्छा ठीक है, ह्यूमरस प्लस वन, तुम पूछो मेरा क्वेश्चन रहता है, नहीं गलत है, फीमर है, ओ सो माइनस वन, मैंने गलत करवाया, देखो मैं इतनी ईमानदार हूँ। सही है, हाँ पूछो, मैं पूछूँ, हाँ व्हाट डिजीज इज कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड बोन डेंसिटी, व्हाट डिजीज इज कॉज्ड, बहुत सिंपल, ये ना है ना, ऑस्टियोपोरोसिस होता है बोन डेंसिटी ना, बहुत सिंपल पूछा है इसने, बहुत गंदा पूछा था मुझसे वैसे, अनस कह रहे इससे मुश्किल पूछो, वैसे भी थर्ड ईयर की है, मतलब फोर्थ ईयर की है, और ये बेचारी फर्स्ट ईयर, ओ ये आ गया फार्मेसी से रिलेटेड, लेकिन सर ये तुम्हें नहीं आएंगे, आ जाएंगे नहीं आएंगे, मैं कुछ वर्ड्स ऐसे जो मेरे भी भूले मैं, कोई बात नहीं। अच्छा अपने आप को बचा रही है ये, प्लीज मेरा दिल धक धक कर रहा है, कसम से ऐसे जोर से धक धक हो रहा है, ये अजीब क्वेश्चन लग रहा है। सेबेशियस फाइनल एंड सलाइवरी आर ऑल टाइप्स ऑफ व्हाट, क्या क्या सेबेशियस ग्लैंड्स, ग्लैंड्स बड़ी हूँ फ्रॉम द हार्ट, बड़ी हूँ फ्रॉम द हार्ट, वेन ही लेकर जाता है, तुमने कहा था प्लीज आर्टरी, पहले इसने सही बोला, फिर इसने गलत किया, सही बोला पहले मैंने, सही बोला लेकिन पहले सही था, बोल के गलत करवाया, क्यों प्लीज जरूर है कि मानो, मैंने बोला था मानो, ये हाल है, ये हाल है, खैर मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, सवाल मैंने अच्छा, पूछ लिया था मैंने सवाल, ये मुझे बताओ व्हाट डज अ स्फिग्मोमैनोमीटर दूं या माइनस वन दूं, प्लस वन, व्हाट डज अ स्फिग्मोमैनोमीटर, जो ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, यस यस यस, कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये बताओ, उसमें एक कफ होता है, एक पुस वाला उसका नाम भूल गया मुझे, एक वो होता है, रहने दो, एक वो स्टेथोस्कोप होता है, हाँ स्टेथोस्कोप, वही मुझे, जेल अंग्रेज के बच्चे नहीं है हम, उसको टूटियां के टूटियां, ये फार्मासिस्ट बन रही है, आप लोगों को ये दवाइयां देगी, लेमैन लैंग्वेज भी किसी चीज का नाम होता है, हमें लोकल लोगों की जबान आ रही है, का नाम नहीं होता डॉक्टर आपकी नंबर स्टूडियो से चेक करता है, हाँ, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, उसने टूटियां लगाई होंगी, मेरी हार्ट बीट चेक करेगा, टूटियां कहते हैं मतलब स्टेटोस्कोप, स्टेटोस्कोप भी कहते हैं, आप बताएं जो आम आदमी, बस आम आदमी, आम आदमी की ताकत, आप बताएं आप टूटियां कहते हैं, पूछो ये पूछो नहीं ये फिक्सर है, इसने मुझे पहले इशारा करके बोला था, पूछा नहीं नहीं मैंने ऐसे ही किया था कि इन वाले में से पूछा। अच्छा छोटा सा, विच मेडिकल स्पेशलिटी इज कंसर्न्ड विद डिजीज ऑफ द ब्लड, डिजीज ऑफ ब्लड, ब्लड से रिलेटेड, ब्लड को क्या कहते हैं, नीम ना यार, मैंने ऊपर वाला बोला था, जल्दी चल ठीक है मैं टेंथ तक दे दी तुम्हें, अभी नहीं आता, खैर मुझे भी नहीं आता, ये पॉइंट नहीं होगा, रुको रुको रुको, क्या क्या है, हेमाटोलॉजी मुझे आता है, हीम ब्लड हेमाटोलॉजी, मैंने ये वाला क्वेश्चन ही बोला, मुझे आता था, मेरे फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था यहाँ पर, विच टीथ कैन बी फाउंड बिटवीन द इंसाइजर एंड प्रीमोलर्स, तो ये अगर तुम मुझे ना ही है, मुझे आता है ना ये, हेमाटोलॉजी बहुत इजी था, खैर मुझे खुद आना नहीं चाहिए, आना चाहिए था, इस दो इस पे दोनों को माइनस वन देंगे, नहीं नहीं दोनों को माइनस वन देंगे, इसको खुद नहीं आता, मुझे क्यों पूछ रही है, वो चीज पूछो जो तुम्हें आती, अपने आप को माइनस दो उसको नहीं, अच्छा ठीक है, मैंने खुद को माइनस वन दिया, ये पता नहीं मैं देख ही नहीं रही है क्या पॉइंट्स लगा रही है, इसको प्लस वन दे दिया,
खैर मुझे खुद समझ नहीं है मैंने कितने पॉइंट्स लगा लिए, एट द एंड देखेंगे, मैं चीटिंग नहीं कर रही, मैं साथ साथ लगा रही हूँ सारे पॉइंट्स। अच्छा अब हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें से दो नंबर जाना सिखाएगा, एक सवाल मेरे लिए एक सवाल इसके लिए। मेरे लिए जो क्वेश्चन है उसका 1 से 10 तक एक नंबर बताओ। पहला नंबर 4। ठीक है 4 फॉर जैनब, मैं लिख लेती हूँ। और मेरे लिए नंबर बताओ 8। ठीक है। व्हिच न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज कॉजेज शेकिंग ऑफ द हैंड्स, तुम्हारे लिए जैनब ने चूज किया वो ये सवाल है। पार्किंसंस डिजीज, रुको आंसर बाद में चेक करते हैं। हाँ। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। और मेरा है 8। व्हिच एम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स। एम मींस यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय दिस, और एम जो है वो उसका आंसर है, एम से उसका आंसर है। पैरोटिड ग्लैंड की, पैरोटिड ग्लैंड होता कहाँ है मुझे भी भूल गया। यहाँ होता है पैरोटिड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड है। I don't know, mumps, mumpsy है, mumps, oh wow, मेरा तुक्का था, मुसलमानों तुक्का लगाया, मेरा 4 था Parkinson's, yes, 7 मेरे plus हैं, और उसके बाद minus 1 मेरा हुआ था 8, मतलब मेरे total हुए हैं 6, Zainab के हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 उसके प्लस है माइनस, और एक माइनस वन हुआ है, मतलब इसके भी टोटल है 6। तो इसका मतलब है कि हमारा ब्लॉग, मतलब हमारा ये चैलेंज हुआ, मतलब हमारे मतलब 3 सालों की फार्मेसी भी इसको काम ना आई, फर्स्ट ईयर बीडीए स्टूडेंट के बराबर आई है ये। शर्म का मुकाम नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, वहाँ पे कोई ये नहीं लिखा था कि फार्मेसी की क्वेश्चन है या बीडीएस की, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। गाइज आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों को अगर अच्छा लगा है, होप कर रही हूँ मैं तो, होप ही नहीं कर रही, ये भी होप करिए साथ में, तो आप लाइक कीजिएगा। हाँ वी होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स में बताएं कि आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, हम लोग और मजीद से बेहतरीन वीडियो। और अगली बार हम ये करेंगे कि हम क्वेश्चंस अपने फ्रेंड्स को कहेंगे, ये अपने फ्रेंड्स को कहेगी कि वो वहां से निकाले क्वेश्चन और मैं अपने फ्रेंड्स को कहूंगी, क्योंकि ऐसे लैपटॉप में हम खोल के बैठते हैं, हमने बिल्कुल एक लफ्ज की भी चीटिंग नहीं की है, लेकिन ऐसे फील हो सकता है। मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है, इसका फोन भी मेरे पास पड़ा हुआ है। हाँ फोन, इसके फोन से ब्लॉगिंग हो रही है, मेरा फोन साइड पे पड़ा हुआ है। तो मतलब हम अगली बार ना क्वेश्चंस पहले से हम किसी बाउल वगैरह में रख लेंगे और अचानक से पिक करके पूछेंगे, तब ज्यादा मजा आएगा, तब इज्जत मुझे भूल गया। वाह वाह, खत्म करते हैं अब यहीं तक ना, इसने ड्रॉग इसे हजम नहीं हो रहा, मुकाबला जो है कि वो हो गया, बराबर हो गया, तो ये ऐसे करती रहेगी और ये मुझसे हर दो लम्हे बाद जो है ना कोई अपने मेडिकल की टर्म पूछेगी। ज्यादा नहीं, ये बात नहीं है, नॉलेज मुझे फार्मेसी का भी आता है, मुझे इंजीनियरिंग, मैं अगली बार फार्मेसी मुझे बीडीएस का भी, अल्लाह हाफिज, मिलेंगे अगली वीडियो में, मुझे पता है, मुझे अल्लाह हाफिज, मुझे अगली ब्लॉग में, ओके अल्लाह।